सो यप, वेलकम टू द चैनल। गुड मॉर्निंग्स। बेगू किसी ने बोला कि मैं बस यही बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग, वेलकम। क्या वेलकम नहीं, मैं व्लॉग मेरे ऐसे ही चालू करता हूँ। और पहली बात तो मैं मेरे व्लॉग्स में ना ये सब बोलता नहीं हूँ कि यो गाइज हम ये कर रहे हैं, यो गाइज हम इधर आ गए, यो गाइज, ये सब चीज़ें मैं बोलता हूँ नहीं। मैं ऐसे सिंपल तरीके से मेरा व्लॉग चालू करता हूँ, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। इट इज़ अ वेरी एब्सोल्यूटली अमेजिंग मॉर्निंग। यस्टरडे इट वॉज अ वेरी ग्रेट डे एंड आई थिंक द न्यू बिगिनिंग हैज स्टार्टेड। चलो चाय पीते। चाय हमने छन्नी से इसमें डाल चुकी है, फिर हम इसको लेंगे, इधर रखेंगे और रोटी लेके आएंगे। रोटी चाहिए? रोटी लेके। और वो चाय से खा रहा है? हाँ, चाय तो किससे खाओ, उन्हें तेरा ये है वैसा किससे नहीं खा रहा है? ब्रेड है। ब्रेड नहीं, चाय से खा रहा है, ब्रेड जा रही है, चिकन या रोटी। सोयाब, अभी हम थोड़ा काम निपटाते हैं और थोड़ा हमारा खर्चे वर्चे का देखते हैं, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं मेरे क्रिप्टो का चेक करता हूँ, मेरे म्यूचुअल फंड का चेक करता हूँ और वो स्टॉक्स वॉक्स का चेक करता हूँ, ऐसे ही देखने के लिए कि क्या मतलब कुछ हुआ हुआ है कि पैसा ही पैसा होगा। मतलब उतना भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बट जो भी है मैं चेक करता हूँ हमेशा, रोज चेक करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। और एक मैं ये बना के रखता हूँ और टू डू लिस्ट भी बनानी है अभी, फिर क्या क्या करना है आज पूरे दिन में, सब कुछ निपटाना है, वो सब चीज़ें करना बहुत जरूरी, क्योंकि वो सब मेरी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो वो सब करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, अभी वो सब करते हैं और फिर ज़रा काम निपटाते हैं, आज जुम्मा भी है तो, और बैंक भी जाना है। सो अब दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल की हमारी टू डू लिस्ट में से बहुत सारे काम हो गए थे और बहुत सारे काम डिले हो गए थे, तो वो आज हो गए और कल वर्कआउट भी नहीं हुआ था। वर्कआउट बहुत ज़्यादा छूट रहा नहीं, बहुत तकलीफ होती है, बट हाँ अभी वर्कआउट करना है तो आज की टू डू लिस्ट बना लेते हैं फटफट, फिर काम शुरू करते हैं। तो अब हमारी टू डू लिस्ट बन चुकी है, अभी हम पहला काम निपटाने जाते हैं फटफट सट सट। एक्चुअली मेरे को है ना सेकेंड डोज भी लेना है और अभी बहुत सारी कॉलेजेस वॉलेजेस सब कुछ चालू हो गई है, तो हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं कॉलेज जाऊँगा, बट चालू हो चुकी है और वो ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा हो गई है, मतलब चाह आ सकते हैं नहीं भी जा सकते, ऐसा कुछ सीन चालू है। आई एम नॉट अ कॉलेज पर्सन, आई एम अ बिजी पर्सन। तो हाँ पता नहीं, देखते अपने को डोज लेने का है सेकेंड डोज, आज नहीं लूँगा मैं, देखता हूँ कल लूँगा या परसों लूँगा, अभी तो टाइम नहीं है, बट सुबह सुबह जाके फटाफट लेने का है और फिर उसको बटा देने का है वो टू डू लिस्ट में से। तो ये रहा कबूतर का। Thousand years late. सीन कैसे है पता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है चलेगा, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा थोड़ा करो बट आपको ग्रोथ मिलती है उसमें अंदर, कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती है और कंसिस्टेंटली काम करोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी चलता है नई ग्रोथ मिल रही है वो काम कर रहे हो, मतलब वही है सही, बट ग्रोथ वाला काम हमेशा करना। बिन्ना जोया को ढूंढ रहा है, जोया को ढूंढ रहा है, जोया को ढूंढ रहा है, बिन्ना बाबा जोया को ढूंढ रहा है। आ जाएगी जोया, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। क्या ब्रेड चाहिए? देखो ब्रेड चाहिए, ब्रेड खाने का। देखो 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 क्या ब्रेड चाहिए इसका। अभी थोड़ा काम बाकी है बट अभी फिलहाल थोड़ा गाड़ी धो लेते, पापा ने ये काम पे लगा दिए।
तो मेरे को बोलते हैं कुछ लोग कि मैं ये सब क्यों दिखाता हूँ, गाड़ी वाड़ी धोने का, बाथरूम वाथरूम ये सब, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये मेरी लाइफ है और यही दिखाऊंगा ना मैं जितना मैं रियल रह सकता हूँ। देखो मैं हर टाइम कुछ एकदम मस्त मस्त चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये मैं हूँ और मैं ये हमेशा रहूँगा, मतलब। बट जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया, मतलब मेरे को तो फॉर श्योर मालूम है कि ये लाइफ स्टाइल मैं चेंज करूँगा, बट धीरे धीरे मैं ग्रो करूँगा धीरे धीरे। अगर आज से मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड की चीज़ें अगर तुम लोग देखते थे ना, तो तुम लोग काफ़ी डिफरेंस देखते थे, क्योंकि पहले हम लोग की लाइफ स्टाइल बहुत अलग थी, पहले हम लोग काफ़ी अलग जगह पर रहते थे, अभी हम लोग काफ़ी अलग जगह पर रहते हैं। तो मेरे को पता है कि ये धीरे धीरे डेवलप होगा और हो रहा है वो। मैंने एक जब से मैंने ब्लॉगिंग करना चालू किया तो मैंने अपने आप में डिफरेंस काफ़ी देखा हूँ, तो मैं मेंटली भी बहुत मैच्योर हुआ और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो आई होप ये सब चीज़ें चेंज होगी। अभी ये ऐसा मैं गाड़ी धोता हूँ कपड़े के साथ बाल्टी लेके, एक दिन टाइम आएगा जब मैं मस्त मेरे गैराज से मेरी कार निकालूँ, मेरी कार मतलब अभी तो पापा की है, मेरी कार निकालूंगा या मेरी स्कूटी निकालूंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, फिर मैं ऐसा मस्त पाइप लगा के सुर 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 मारूंगा। तो वो सब भी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, मेरी फैंटेसी, मेरा मेरी बकेट लिस्ट है वो सब, और वो सब मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ कि लैम्बोर्गिनी रहेगी, ऐसा नहीं है, ये गाड़ी भी रहेगी चलेगा, बट खुद की रहेगी। तो वो समझ रहे हो, भावनाओं को समझ रहे हो, बस हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Gaadi dhone ke baad itna busy hua main, I'm a busy person. To main mera course wo kar raha tha aur fir baaki kaam bhi main nipta raha tha, kyunki abhi main kaisa ho raha hai pata hai, jo bhi main cheeze kar raha hu na uske andar main aur level up karne ki koshish kar raha hu. Jab bhi aap koi cheez seekhte ho, dekho jab bhi aap aise padhai karte rehte ho aur aapko pata nahi chalta ki time kab kaise chale gaya, wo bahut achhi feeling hoti hai. Aur jab aapko jab achhi lagti hai padhai tabhi aisa hota hai, बट आप जब को आप जब आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तब आप देखते रहते यार कितना स्लो जा रहा है, यार कितना स्लो जा रहा है. तो वो नहीं हो रहा था मेरे साथ, तो वो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मेरा टाइम बहुत फटाफट चले गया और मैं व्लॉग कर नहीं कर पाया. मतलब मैं उसके बीच में व्लॉग का ही करूँ क्या बताऊँ तुम लोगों को, बस वही टाइम लैप्स बताता था, उससे ज़्यादा क्या बताता था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया. बट अभी चुम्मा वाला वर्कआउट चालू है और उसको देखो एक ही दस सोया है घर में, आज फुल पसारा पसारा है, ये इतना खेल रहा है ना, इतना खेल रहा है मस्त. चुम्मा वाला वर्कआउट चालू है, मेरे को पोस्ट वर्कआउट बनाना है और खाना है और बहुत नींद आ रही है और कल सेकंड डोज लेने जाना है, तो हाँ वो भी है. क्या चुम्मा खाना बनाता हूँ, खाने दो. तो अभी ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, 5 बज रहे अभी, सब चीज़ें निपटाते चीज़ें होते होते करते करते, कोई नहीं चलता है. लेजेंड्स स्लीप एट 4 AM और वेकअप एट 4 AM. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते. मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं लेजेंड हूँ, बट मजाक कर रहा हूँ. सो यस, दैट इज इट फॉर द व्लॉग. तब तक आई विल सी यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो.